और साढ़े दिल्ली के एमएलए साढ़े भी पहुंच गए होर सारे बोल गए। सौरभ जी मैं तुहानू बेनती करनी चाहना कि 70 साल हो गए देश नू आजाद होया, लेकिन देश की आजादी तो बाद इस हरके की सार अज तक कदे किसी ने नहीं, इस हरके दे विच अज तक एक जे तुसी उहदा प्रबंध नहीं करदे। एक गल लिखी पड़ी है कि सरकार बन रही है, इस गल विच कोई दोरावा नहीं, पर जे तुहाडे तो रावी दा वी दाणी प्रबंध ना होया ते हरी के हज वर्कस तो सानू लिफ्टिंग राही पानी चुक के वह खारे माझे नूं दिओ, इह खारा माझा है। अगर तुसी खारे माझे नूं बचाओगे इह उह असल माझा है जिस मर्जे दे विच बैठ के कदे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जदों भी लाहौर दी धरती ते हुंदे सी ओह गुलटोए दा पानी सब तो चंगा पानी सी, पर मैनूं अफसोस ना कहना पैंदा कि मगरले समें दे दौरान इत्थे कुछ टीमां आईआं, उहनां टीमां ने आ के जदों पानी चेक कीता ते केवल गुलटोए मिलदा पानी जिहदे विच शराबां कट कट के इत्थों दे हलके दे एमएलए ने और उन्होंने कहा जो पानी पीएगा वह कैंसर हो जाएगी। मैं सौरभ जी तुहानू दसना चाहता दूसरी बैंक की वाटर पॉइंट का असि जीरो टैंक करके बैठे हैं, पर रेची का पता भी उतर सिर्फ 12 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के असि आए हैं। साढ़े नाल कोई इंडस्ट्रिया का कोई जगार ना अजे तक इसे सरकार ने यह सानू कोशिश की कि सानू विशेष पैकेज दिता जाए। मेरा बेनती है कि जो साड़ी सरकार आई है घर तो घर इंडस्ट्री लाने बड़े पुराने सरकार कर सकती है सरकार चाहे नौजवान मजदूर इस करके सी बेनती है कि जी मंडी का सुधार किया जाए क्योंकि हिमाचल एरिया और मैंने व्यापारियों की सारी बातें सुन के उसको नोट किया है और हमारा ये वादा है कि इन लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं उसको आम आदमी पार्टी की सरकार निपटाएगी और यहाँ पे रोजगार के अच्छे साधन लाए जाएंगे और यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी। जैसे पट्टी और खेमकरन आप दोनों जगह विजिट करके आए हुए हैं, दोनों ही लगभग बॉर्डर के इलाके हैं और दोनों की समस्याएं लगभग मिलती जुलती हैं। दोनों जगह के इलाकों को स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके नौजवान बच्चों को इस गंदे धंधे के अंदर ज़बरदस्ती एक तरीके से लाया गया है और दोनों ही जगह पे नेता जो हैं उनका कोई लेना देना नहीं है कि इलाके की हल्के की कोई डेवलपमेंट की जाए। लोग बेहद दुखी हैं, मुझे लगता है कि दोनों ही इलाकों के लिए एक एफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों इलाके आसपास हैं और यहाँ पे खास तौर पे फूड इंडस्ट्री जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लाया जाए। चंडीगढ़ में आपके हक में काफ़ी रिजल्ट आया था, अभी पंजाब में विधानसभा चुनाव भी है, क्या लगता है आपको? देखिए चंडीगढ़ के रिजल्ट्स हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थे, पार्टी की कोई खास तैयारी चंडीगढ़ के लिए थी नहीं। चंडीगढ़ वैसे भी शहरी इलाका है जहाँ पे आम आदमी पार्टी को जनरली कमज़ोर माना जाता है, अगर ऐसे पॉश इलाके में ऐसे शहरी इलाके में आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप के अंदर वोट मिले हैं तो ये एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पंजाब में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है आम आदमी पार्टी के लिए। कांग्रेस को हम लोग अब तक कंटेंडर मान रहे थे पंजाब के अंदर, बट चंडीगढ़ को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस काफ़ी पीछे है और चन्नी साहब के जो ऐलान थे उनको जनता उसकी सच्चाई समझ रही है। जनता को ये दिख रहा है कि वो ऐलान जो है सिर्फ बातों में है, उसका ज़मीन पे कोई असर नहीं हो रहा है। जड़े आम आदमी पार्टी के साडे एमएलए ने
दिल्ली तो भारद्वाज जी वो आए सी साडियां मुश्किलां सुन साडे बॉर्डर बैल्ट दियां साडे एरिए दियां मुश्किलां सुन उन्होंने एक एक गल जिहड़ी उह नोट करके खड़ी है। मैनूं पूर्ण विश्वास है भी जिहड़ियां मुश्किलां भी साडे भरावां ने उन्हां दे गाड़ी रखियां वख-वख जिवें बुलारियां ने चाहे वह इंडस्ट्री की गल होवे चाहे वह भट्ठा इंडस्ट्री की गल होवे चाहे वह किसान भाईचारे की गल होवे चाहे वह मजदूरां की गल होवे हरेक गल बड़ी बरीकी ना उन्होंने सुनी है। और जिहड़ा आम आदमी पार्टी का एजेंडा भी है क्योंकि जिहड़ी आम जिहड़ियां रवायती पार्टियां वह जदों भी आउंदियां वह रैलियां करदियां है बोल के वह लोगों नूं झूठ सच लाला लाला करके गां जांदे है पर आम आदमी पार्टी का तुसीं वेखोगे एक निशाना है वह हरेक वर्ग को जा रहे हैं वह हरेक वर्ग की समस्या जान रहे हैं भी साडे जिहड़े इत्थों दे लोग है उन्हां दीआं मुश्किलां की है वह एक एक मुश्किल नूं हल करन दी जिहड़ी है समर्था रखते हैं साडे पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी। तो अज मैं जिहड़ियां साडे इत्थों दीआं मुख लोड़ां है इह दा साडा पछड़िया एरिया इत्थे इंडस्ट्री चाहीदी है इत्थे साडे बच्चे नूं रुजगार चाहीदा इत्थे साडे जिहड़े साडे बच्चियां साडे बच्चे आ उहनां लई एजुकेशन दा वधिया प्रबंध चाहीदा इत्थे साडे भरावां नूं लाज दी कोई सहूलत नहीं इत्थे चंगे होस्पिटल चाहीदे आ इत्थे डॉक्टर चाहीदे आ इत्थे साडियां जिहड़ियां बच्चियां उहनां नूं नर्सिंग दी जिहड़ी है मैं समझदा भर्ती करके नाले जॉब मिले नाले उह लोकां दी सेवा करन मतलब ये बहुत सारियां मुश्किलां इत्थे दीआं हैगीआं। ते अज साडे उह MLA साहब जिहड़े केजरीवाल साहब जी ने उहनां नूं इत्थे भेजिआ सी उह आए आ उहनां ने लोकां दीआं मुश्किलां नूं जाणू उहनां ने लोकां नूं जाणू करवाया लोकां ने उहनां नूं। तो मैं ये गल विश्वास ना कह सकता कि आम आदमी पार्टी कोई हवा च गल्लां नहीं करती आम आदमी पार्टी जो भी गल्लां करती है उन्होंने पूरियां करती है। सो मैनू बड़ी आस है कि सरकार परमात्मा ने आम आदमी की बना देनी है तो साडे सारियां मुश्किलां दे हल जिहड़े ओह साहब पार्टी के पुराने लीडरां नूं गुरदेव सिंह लाखना जसबीर सिंह सुर सिंह नूं ओह अज इत्थे दिखाई नहीं दिते कि उन्हां नूं सद्दा नहीं भेजा गया जां फिर कोई होर वजह नहीं जी वह साडे भरा ने गुरदेव सिंह लाखना जी मेरा ख्याल उन्हां दी बेटी का शायद मैरिज है उधर तैयारियों च लगे हुए है तो जसबीर सिंह सुर सिंह जिनी भी लीडरशिप है वो साडे भरा असीं तां गल वकड़ी पा के चलांगे मैं तो हरेक कोल जा रहा जी कि हरेक नूं सद्दा दे रहा तो हरेक भरा नूं मेरी कोशिश होगी भी गल ना ला के जिहड़ा वह चलां तो हरेक भरा का जिहड़ा बनदा मान सत्कार अज आए ने जी